बच्चे ही होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 16 होगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के। इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स के ऊपर होगा, ठीक है। और ये ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी के बुक्स लिए गए हैं, ठीक है। चलो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट हम इसमें करेंगे फीचर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म आर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हैं हमें टू आर मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट है इसका दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फिक्स्ड रेशियो। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर थर्ड बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग टूअर ऑल एज एन एजेंट, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग आर इंटाइटी एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म एक्सपेक्ट। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट एटलीस्ट टू पर्सन, नेक्स्ट है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, नेक्स्ट है इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, उससे नेक्स्ट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनरशिप इज, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा फर्स्ट जो रहेगा इसका आंसर इसका रहेगा बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताना है इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है ए माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, बी ऑप्शन है ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट और जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है थर्ड ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनरशिप बट हिज राइट एंड लाइबिलिटी आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, ठीक है। ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आउटस्टैंडिंग पार्टनर आर दोज हु, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडीशन ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन्थ द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एंड ऑनर एंड एन एजेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, इसका जो आंसर आपने पता भी होगा, ठीक है। कितने पार्टनर होने चाहिए, कम से कम वो होने चाहिए दो बंदे होने चाहिए तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म में बी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर होने चाहिए, ये होने चाहिए 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडाइटी फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी द बिजनेस
must be carried on by all the partners. Question number 12. Every partner is bound at attend dignity to his in the conduction of business. इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूटीज. ठीक है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज जो करनी पड़ती है बिजनेस में भी. नेक्स्ट जो हम करेंगे ये करेंगे पार्टनरशिप डीड के ऊपर. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है. फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये होता है नॉन मैंडेटरी. ठीक है, जरूरी नहीं होता कि पार्टनरशिप जो है डीड होनी चाहिए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 14, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, ये क्या होता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसका आंसर है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरप्टेड इन द पार्टनरशिप एक्ट, इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज्ड इंटरेस्ट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इंपोज्ड, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. क्वेश्चन नंबर 17, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर कैपिटल, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नो इंटरेस्ट इन अलाउड. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द अलाउबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन अकाउंट विल बी, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ए एंड बी आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए हैज़ गिवन ए लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म एट द एंड ऑफ अ लॉस वाज इंक्रस इन द बिजनेस फॉलोइंग इंटरेस्ट मे बी पेड टू ए बाय द फर्म, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एट द रेट 6% पर एनम. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ए एंड बी पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उनका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए हैज़ विड्रॉ 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल ऑन ड्राइंग, ठीक है, उसको छोड़ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म, ठीक है, उसने वो उसको छोड़ के किया ना आउट ऑफ, तो इसका जो होगा नॉट इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, ठीक है, उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए डिवोटेड मोर टाइम फॉर द फर्म आर कंपेयर टू बी, ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिड टू प्रॉफिट इन द फर्म प्रॉफिट, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, कोई भी उसको जो है प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कोई भी एडिड जो है प्रॉफिट उसकी कमीशन में नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई, ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनरशिप आर नॉट एंटाइटेड टू, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सैलरी और कमीशन बोथ, ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनरशिप पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट.
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस अप्रोप्रिएटेड अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑप्शन सी रेंट पे टू पार्टनर्स, ऑप्शन डी पार्टनर सैलरी। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेंट पे टू पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 26, इफ एनी लोन आर एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है बी एस एसेट साइड, सेकेंड दिया हुआ है बी एस बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ठीक है, फर्स्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड, बी एस लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट ये हुआ है पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, ऑप्शन बी इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नेक्स्ट है सी इक्वली, डी है इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इक्वली। ठीक है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको यहीं से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, ऑप्शन ए इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर ड्राइंग, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड एट द रेट 5% पर एनम पार्टनर ड्राइंग, नेक्स्ट जो दिया हमें 6% पर एनम, लास्ट दिया हमें एट द रेट 12% पर एनम। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड। इसका जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बी ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सी ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स टू द फर्म। ये इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इसका जो है आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।